निर्माण क्षेत्र की कंपनी रामकृपाल सिंह, कंस्ट्रक्शन कंपनी, प्रधानमंत्री राहत कोष के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री राहत कोष में भी राशि दिए गए। कंपनी इस आपदा में और क्या कुछ कर रही है, इसको लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन ने रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर रंजन कुमार से खास बातचीत की। वैश्विक संकट में हर लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है, खासकर व्यवसायियों की भूमिका इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश के कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में अग्नि कंपनी रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर रंजन कुमार हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ कर रहे हैं इस वैश्विक आपदा में। आपकी कंपनी देश में काफ़ी स्थान रखती है कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, आप सरकार और आम लोगों के लिए हमेशा जुड़े रहते हैं कई आपदाओं में, तो इस वैश्विक आपदा जो आई है उसमें आप क्या कर रहे हैं? हमारी कंपनी सर्वप्रथम देश के लिए कई एक बार खड़ा रहती है और इस वैश्विक संकट से जूझने के लिए जो आर्थिक मदद की गुहार प्रधानमंत्री जी के द्वारा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगाई गई है, उसके ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी 1 करोड़ 5 लाख रुपये की राशि देने जा रही है अपनी कंपनी के तरफ से, जिसमें प्रधानमंत्री जी रिलीफ फंड में 25 लाख हमारी कंपनी के द्वारा ट्रांसफर कर दिया गया है। झारखंड मुख्यमंत्री जी के रिलीफ फंड के लिए 25 लाख का डिमांड ड्राफ्ट बनाया गया है। बिहार मुख्यमंत्री जी रिलीफ फंड के लिए भी 25 लाख का ड्राफ्ट बनाया गया है और 15 लाख त्रिपुरा मुख्यमंत्री जी के रिलीफ फंड के नाम से ड्राफ्ट बनवाई गई है। 5 लाख हमने जानवरों के रक्षा हेतु भूसा खरीदने के लिए देवराहा बाबा के ट्रस्ट को दिया है और 10 लाख रुपये का हम अपने जिला में वेंटिलेटर और कुछ हॉस्पिटल में आवश्यक 5 बेड की हॉस्पिटल से जरूरत से संबंधित जो भी धन की जरूरत होगी वह देने का हमने वादा किया है। और हमारी कंपनी आगे भी इस तरह के अगर कुछ मौका लगेगा तो और भी अधिक राशि करने के लिए तैयार रहेगी और तत्पर रहेगी। पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, सरकार भी आग्रह कर रही है बड़ी कंपनियों से कि वो अपने कर्मचारियों का ध्यान रखे, अपने जो अधीनस्थ काम करने वाले हैं उनका ध्यान रखे। आपकी कंपनी कई राज्यों में जब काम करती है तो कई क्षेत्र कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जो मजदूर होते हैं या फिर अन्य वर्ग होते हैं, कैसे ध्यान रख रहे हैं और सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं आप? हमारी कंपनी अभी लगभग 2000 मजदूरों को रोज खाना खिला रही है जो हमारे साइट पर कर्मचारियों के साथ ही रह रहे हैं और उनका कर्मचारियों का कोई भी वेतन में कटौती नहीं होगी और मजदूरों को भी जो मजदूरी वेतन है वो भी मिलती रहेगी। हमारी कंपनी ने यह निर्णय लिया है कि इस लॉकडाउन का उनके जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं करने वाला। अभी हालांकि सरकार ने 21 दिनों का लॉकडाउन किया है लेकिन जैसी खबरें आ रही है कि आगे भी बढ़ सकता है, तो अगर सरकार को जरूरत पड़ती है आपकी और आपके कंपनी की तो क्या आप आगे भी खड़े रहेंगे सरकार के साथ? ये मसला सिर्फ सरकार का नहीं है, ये मसला पूरे विश्व का है और मानव जाति का पहले जान बचे ये सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए लॉकडाउन सरकार के द्वारा की गई है। और भविष्य में हमारी कंपनी से जो भी बन पड़ेगा वो इस देश के लिए करने के लिए हमेशा तत्पर है। हमारी कंपनी हो या हम हैं, ये सभी लोग हम लोग देश के ही हैं और देश के लिए ही हैं, देश का ही है और देश के हितों के लिए ही हमेशा खड़ा रहना है। इस आपदा में तमाम लोगों से, व्यवसायियों से सरकार भी आग्रह कर रही है, आप एक व्यवसायी के नाते आप भी आग्रह करेंगे बाकी लोगों से, राज्य के जो व्यवसायी हैं, कि वो आगे और इस तरह के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें? हम उन सभी व्यवसायी बंधु भाई बंधु से सविनम्र निवेदन करेंगे कि जिनको जो क्षमता हो उसके अनुरूप इस देश के इस संक्रमण से बचने के लिए जो धनराशि की गुहार लगाई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उसमें आप कुछ भी सहयोग करें क्योंकि ये सारा कुछ देश हित के लिए है और ये देश का ही बात। इस आपदा में रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के द्वारा कई उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं,
ऐसे में लोगों का मनोबल भी बढ़ता है और लोगों में एक उम्मीद भी जब बढ़ती है कि बाकी व्यवसायी भी जो देश के हैं वो आगे आएंगे और इसी तरह मदद करेंगे ताकि सरकार और लोगों तक जो राहत की सामग्री है वो पहुंचा सके। सहयोगी कुणाल के साथ राजीव रंजन, साधना न्यूज, रांची।